आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। नाम है मिस्टर फेलुदा, काम है कोरोना वायरस को डिटेक्ट करना, उसकी तलाश करना, जांच करना और उसे पहचानना। आपको लग रहा होगा कि मैंने दो चीजों को कहीं ना कहीं मिला दिया है। फेलुदा तो कोई जासूस थे और ये कोरोना की जांच कैसे करेंगे? दरअसल फेलुदा एक काल्पनिक और कहानी के किरदार थे जो कि आपको पता ही है। वो एक जासूस था, क्राइम सीन्स सॉल्व करता था। मशहूर फिल्मकार सत्यजीत रे ने इसे गढ़ा था, मगर ये लोगों में बहुत प्रचलित हुआ और अब इनके नाम पर एक नई जांच किट आ गई है। इसके बारे में आपको बताएंगे आज के कोरोना कवरेज में। नमस्कार, मेरा नाम है माधुरी और आप कोरोना कवरेज सुन रहे हैं आज तक रेडियो का एक खास पॉडकास्ट, जिसमें देश दुनिया से तमाम कोरोना से जुड़ी जानकारियां हम आपके लिए एक जगह पर ले आते हैं। तो आज फेलुदा के बारे में आपको हम बताएंगे ही, साथ ही आपको रघु सक्सेना से मिलवाएंगे जिन्हें 1.5 से 2 महीने के भीतर ही फिर से कोरोना संक्रमण हो गया है। और हम आपको दिल्ली में कितने बेड्स हैं कोरोना मरीजों के लिए, कितने उपलब्ध हैं, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अपडेट्स। भारत में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 54 लाख को पार कर गया है, जबकि कोरोना की चपेट में आकर 87,000 से भी ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। देश में कोविड 19 के अभी 10,32,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में रिकवरी दर 80% है। दुनिया भर में रविवार को कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 3 करोड़ को पार कर गया, जबकि मृतकों की संख्या 9,62,000 से ज्यादा हो चुकी है। अब तक कोरोना महामारी से 2.28 करोड़ से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर राजधानी रायपुर समेत 10 जिलों में आज से 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन लगाने की घोषणा की गई है। ओडिशा हाईकोर्ट में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने से 2 दिन के लिए हाईकोर्ट को बंद कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान देश भर में 14 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद करने के मुद्दों की जाँच करने पर सहमति जताई है। योगी सरकार ने कोविड ऐप लॉन्च किया है, इससे कोरोना संक्रमित मरीजों को रिपोर्ट पाने के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोरोना काल में नवरात्रि उत्सव को लेकर रायपुर जिला प्रशासन ने गाइडलाइन जारी कर दी है। उत्सव के दौरान 6 फीट से ऊंची मूर्ति, 15 फीट से बड़ा पंडाल बनाने पर रोक है। वहीं पंडाल में एक बार में 20 से ज्यादा लोग नहीं होंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने देश में कोरोना से जुड़ी नई पाबंदियों को नहीं मानने पर अब पाबंदियां सख्त कर दी हैं। सिंगापुर में हेल्थ केयर वर्कर्स की रिस्क को कम करने के लिए अब रोबोट टेस्ट के लिए स्वाब के नमूने लेगा। पोप फ्रांसिस ने दुनिया भर के नेताओं से गुहार लगाई है कि गरीब देशों के लिए भी वैक्सीन की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए और चाइनीज थिएटर्स, एंटरटेनमेंट वेन्यूज, फिल्म थिएटर्स 75% कैपेसिटी के साथ खुलने जा रहे हैं। क्या आपने सोचा है कि एक बार कोरोना पॉजिटिव हो जाने के बाद जब आप ठीक हो जाएं और नेगेटिव हो जाएं तो आप दोबारा पॉजिटिव हो सकते हैं? तो इसका जवाब वैसे तो लोग ना ही कहते हैं, लेकिन अभी इसका जवाब हाँ है। हांगकांग में पहला रीइंफेक्शन का केस सामने आया था कुछ वक्त पहले। वैसे तो ICMR के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर बलराम भार्गव ने पिछले हफ्ते कहा था कि इंडिया में इसके बहुत ही कम चांसेस हैं कि कोरोना से दोबारा कोई पॉजिटिव हो सकता है। उन्होंने वेरी वेरी रेयर शब्द का इस्तेमाल किया था, लेकिन इंडिया में रीइंफेक्शन के केसेस आ रहे हैं। बेंगलोर में एक महिला को महीने भर के अंदर दोबारा से कोरोना का संक्रमण हो गया। इसके अलावा नोएडा में 2 केसेस सामने आए और तो और मुंबई और हैदराबाद में भी री इन्फेक्शन के केसेस आ चुके हैं। इनमें से कई हेल्थ वर्कर्स हैं जिन्हें कोरोना दोबारा हुआ है। साउथ कोरिया में 51 लोगों में दोबारा कोरोना हुआ है। इसी सिलसिले में हम आपको मिलवाते हैं रघु सक्सेना जी से, जो जयपुर में ही रहते हैं। उनको कुछ ही दिनों यानी करीब 45 से 60 दिन के भीतर फिर से कोरोना का संक्रमण हो गया। हमने अपने कोरोना कवरेज में आपको उनसे कोरोना सर्वाइवर के तौर पर मिलवाया था। उन्हें बिल्कुल ये मालूम नहीं था कि वो स्वस्थ हो गए थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ और क्यों हुआ कि वो वापस संक्रमित हो गए, वो खुद ही बड़े हैरान हैं। आइए सुनते हैं उन्हीं से।
मुझे पहला जो इन्फेक्शन हुआ था वो तो 21 जुलाई 2020 में हुआ, और 28 जुलाई को मैं नेगेटिव आ गया था। जी उसके बाद 10 या 11 सितंबर को वाइफ के बुखार होने पर, एक दो दिन जब बुखार रहा, उसको टेस्ट कराने पे उसका पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आने के बाद मुझे भी बुखार एक दो दिन बाद ही शुरू हो गया था। जी तो जब मैंने टेस्ट कराया तो मेरा जो है 16 तारीख को मुझे भी पॉजिटिव उन्होंने बताया। तो इस तरीके से मतलब दूसरी बार मुझे ये इन्फेक्शन हो गया, करीब अच्छा डेढ़ डेढ़ 2 महीने के बीच में। जी, और लक्षण क्या क्या हैं आपके इस बार लक्षण जब? में मुझे जो है पिछली बार तो मुझे केवल गले में खराश ही हुई थी। इस बार बुखार भी था, 100 के आसपास लगभग रहा है, 100 से ज्यादा कभी नहीं हुआ। और गले में थोड़ा सा खराश और हल्की खांसी इस बार रही, ये दो लक्षण इस बार रहे हैं। और जी, और वाइफ को आपने हॉस्पिटल में एडमिट कराया पहले? वाइफ को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया था क्योंकि उसको थोड़ा सा लग रहा था चेस्ट में खिंचाव वगैरह सा। टेस्ट के हिसाब से उसको एक बार एडमिट कराया था, लेकिन वहाँ उसके सिम्टम्स कोई खास थे नहीं। और अभी 4-5 दिन बाद दोबारा टेस्ट करने भी पॉजिटिव ही आए हैं। डॉक्टर ने सलाह दी कि आप घर पर भी रेस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी उसको कल स्लाइटली बुखार आया था, बाकी वैसे नॉर्मल है, थोड़ा हल्का गला खराब है। दोनों के लक्षण लगभग एक से ही है। अच्छा, तो घर पे आपने आइसोलेट कर रखा है एक दूसरे से। बस और कुछ खास बात जो आप कहना चाहते हैं? यही है कि दूसरी बार एक सरप्राइज है एक तरह से कि इतनी जल्दी से दूसरी बार इन्फेक्शन हो गया। क्योंकि मुझे इनिशियली तो लग रहा था कि अब मैं थोड़ा सेफ हूँ, या मुझे हालांकि मैंने कोई भी इसमें सेफ्टी मेजर्स में कोई कमी नहीं रखी थी। मैं अपने पूरे वही मास्क लगाना, सैनिटाइज करना, हाथों को धोना, सारी जो है वो पैरामीटर में सारे जो है सेफ्टी मेजर दे रहा हूँ। उसके बावजूद भी दोबारा से इन्फेक्शन हुआ है, ये ताज्जुब की बात है और रिसर्च का विषय भी है मेडिकल साइंस के लिए। जी, आपने जब डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर ने क्या कहा आपको? डॉक्टर ने मुझे कई स्टडीज का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि अभी कुछ रिसेंटली केसेस में आई है डीएसए इन्फेक्शन की बात, और उसमें यही उन्होंने बताया कि या तो ये हो सकता है कि कोई दूसरा स्ट्रेन हो पहले वाले से अलग हो जिसने आपको वो किया है, या आपकी अभी इम्यूनिटी इतनी डेवलप नहीं हुई हो और आपके एंटीबॉडी बने नहीं हो पर्याप्त मात्रा में, इसकी वजह से आप इन्फेक्टेड हो गए हैं। तो दोनों में से कोई भी बात हो सकती है। और अब वक्त है आपको फेलुदा से मिलवाने का। ये सत्यजीत रे वाला फेलुदा तो नहीं है, लेकिन इसे तैयार करने वालों में कुछ सत्यजीत रे साहब के फैन हैं। ये एक इंडिजीनस टेस्ट है, यानी हमारे देश में ही बना है। ये टेस्ट CSIR ने तैयार कराया है, इसलिए हम इसकी पूरी जानकारी लेने को फोन के जरिए हैदराबाद पहुंचे और बात की CSIR के सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के डायरेक्टर डॉक्टर राकेश मिश्रा से। सर, ये जो नया टेस्ट CSIR ने एक टेक्निक डेवलप की है फेलुदा, तो पहले तो ये मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये काम कैसे करेगा? नाम तो थोड़ा अट्रैक्टिव है ही, इसके साथ ही काम कैसे होगा? तो ये टेक्निक जो है एक बहुत ही आधुनिक टेक्निक है, एक नया नई एक तरह से खोज हुई है कुछ कुछ साल पहले ही, जिसको हम क्रिस्पर कास्ट टेक्नोलॉजी बोलते हैं। उसमें किसी भी तरह के जीनोम को एक अलग तरह से आप जाके पहचान सकते हैं और उसमें कुछ कर सकते हैं। इसको जीनोम एडिटिंग के लिए बहुत इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए चूंकि ये बहुत ही स्पेसिफिक है और बहुत ही सेंसिटिव मेथड है, इसलिए अब डायग्नोस्टिक में भी इसका इस्तेमाल लोग करने लगे हैं। और हमारी लैब जो कि दिल्ली में है IGIV, वहाँ के लोगों ने इसको कोविड के लिए भी ऑप्टिमाइज किया है और वो बहुत अच्छी तरह से प्रोग्रेस हुआ, क्योंकि अभी सारे रेगुलेटरी एजेंसीज ने भी उसको अपनी अनुमति दे दी है। और उसके लिए हमारे पास इंडस्ट्रियल पार्टनर भी हैं, साथ साथ टाटा सन्स, तो इससे कि ये मार्केट में ले जाने में इससे आसानी होगी। अब ये काम ऐसे करती है कि शुरू में इसका तरीका वही है जैसे नॉर्मल RT-PCR का तरीका होता है, कि आपको उस पास सैंपल आएगा, उसमें से आप RNA बनाइए और उस RNA को आप DNA में कन्वर्ट करके, और उसके बाद रियल टाइम PCR जिसमें फ्लोरिसेंस प्रोब और थोड़े एक्सपेंसिव केमिकल्स लगते हैं उनकी बजाय सिंपल PCR करेंगे, जो कि बहुत ही रेगुलर टेक्निक है जो सारे मॉलिक्यूलर लैब्स में हो रही है आजकल। और वो उसके बाद उस सिंपल PCR के बाद इस टेक्निक का जो नॉवेल्टी है उसका उपयोग होगा डिटेक्शन के लिए।
उसके लिए वो जो हमारा पीसीआर प्रोडक्ट है उसको एक पेपर स्ट्रिप में डाल देंगे और उसको एक सैंपल सॉल्यूशन में रख देंगे और कुछ मिनटों के अंदर वहां पे एक लाइन बन जाएगी, अगर पॉजिटिव है और अगर नहीं पॉजिटिव है तो अलग तरह का सिग्नल आएगा और उसको आप एक मोबाइल में ले करके और वो ऐप होगा तुरंत बताएगा कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, उसके हिसाब से आप उसको जहाँ पर आपको डिपॉजिट करना है या जो रिपोर्ट बनाना है आप बना सकते हैं जी। इट्स जस्ट लाइक प्रेगनेंसी टेस्ट जैसे होता है ऐसे का? हाँ, प्रेगनेंसी टेस्ट थोड़ा आसान है। प्रेगनेंसी टेस्ट में जो मैंने शुरू में बताया आपको प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, उसमें यूरिन सैंपल को सीधा ड्राफ्ट में लगा के और आप टेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे उसको थोड़ा सैंपल को प्रोसेस करके आरएनए निकाल के उसको थोड़ा एम्पलीफाई करने की जरूरत है, डिटेक्शन के लिए जब तैयार हो जाता है तो फ्लोरेसेंस बेस्ड रियल टाइम की बजाय ये टेक्निक यूज होगी, क्रिस्टल टेक्निक जिसको फलूदा बोल रहे हैं, वो एंजाइम का एक नाम दिया हुआ है। और उसमें फायदा ये है कि आरटी मशीन जो है बहुत एक्सपेंसिव होती है और तो वो मशीन की जरूरत नहीं होगी, ये सिंपल बहुत ही सिंपल तरीके से हो सकता है। और दूसरी चीज ये है कि उसमें एक्सपेंसिव केमिकल लगता है फ्लोरेसेंस प्रोब जो कि अक्सर इंपोर्ट किया जाता है, यहाँ पे कोई इस तरह की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो एंजाइम डेवलप किया हुआ है लैब में उसको डाल के उसके बाद पेपर स्ट्रिप पे काम होगा तो वो एक तरह से काफी सस्ता हो जाएगा। जैसे अगर आप अभी आरटी टेस्ट कर रहे हैं और उसके लिए आपको जो भी 1,500 जैसे 2,000 जहाँ भी जिस तरह का टेस्ट हो, इसको 1,000 से भी कम में 500-600 ऐसे खर्चे में कर सकते हैं जी। और कितना एक्यूरेट कह सकते हैं कि रिजल्ट होगा इसका? रिजल्ट जो है एकदम एक्यूरेट है क्योंकि ये तो बहुत ही एक्यूरेसी सेंसिटिविटी के बारे में किसी भी टेक्निक से ये कम नहीं होगी, तो उसमें कोई डाउट नहीं है क्योंकि जो डिटेक्शन है वो बहुत ही वहां पे गलत रिजल्ट नहीं देगा ये, तो ये जो सेंसिटिविटी जिसको बोल रहे हैं या और एक्यूरेसी दोनों चीजें जो अभी मौजूद तकनीक है आरटीपीसीआर की उससे कम नहीं होगी जी। और कब तक शुरू हो जाएगा ये, क्या लगता है आपको मार्केट में कब तक आने की उम्मीद? देखिए हम लैब ने अपना काम कर दिया है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर दिया है कंपनी को और कंपनी ने उसको बना के और टेस्ट करके रेगुलेटरी बॉडी को दिखा दिया है, रेगुलेटरी बॉडी ने कहा कि ठीक है आप जाइए। अब लॉजिस्टिक की बात आती है कि जल्दी से जल्दी कितने ज्यादा मात्रा में किट्स को तैयार करके और उसको टेस्ट सेंटर्स पे ले जाके यूज कर सकें, तो मेरे ख्याल से ये अब ये प्रोडक्शन वाली बात है, मेरे ख्याल से कुछ हफ्तों के अंदर ऐसा हो जाना चाहिए, एक आध महीने ज्यादा से ज्यादा। या अगर टाटा सन्स को प्रोडक्शन की सुविधा है ऑलरेडी तो एक हफ्ते दो हफ्ते में भी हो सकता है, तो ये एकदम रेडी है। अब सवाल है कि वो उसको ज्यादा मात्रा में बना के लोगों तक ले जाना, और कोई रेगुलेटरी या साइंटिफिक कोई या टेक्निकल कोई प्रॉब्लम नहीं है। फेलुदा तो आ गया, जल्द ही बाजार में भी उपलब्ध होगा ऐसी उम्मीद है, कम दामों पर एक्यूरेसी वाला टेस्ट। क्या आप जानते हैं कि जर्मनी के म्यूनिख में हर साल एक फेस्ट मनाया जाता है जिसे अक्टूबर फेस्ट कहा जाता है। इस फेस्ट में हजारों लाखों की संख्या में लोग जुटते हैं। मिड और लेट सितंबर से अक्टूबर फर्स्ट वीक तक ये लोग फेस्ट सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन इस बार ऐसा पहली बार होगा कि ये फेस्ट बहुत रेस्ट्रिक्शंस के साथ मनाया तो जाएगा पर लोगों में वो उत्साह नहीं होगा, साथ ही नॉन ट्रेडिशनल होगा ये फेस्ट। साल 1810 से लगातार मनाई जा रही चलाई जा रही ये परंपरा इस वर्ष थोड़ी सी बाधित होगी, कोई नहीं अगले साल मना लेंगे। चलिए अब जर्मनी से दिल्ली का रुख करते हैं। दिल्ली में मरीजों की संख्या में अचानक से उछाल आया है, हर रोज 4,000 से ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं। कई मरीज बहुत सीवियर कंडीशन में होते हैं, सीरियस होते हैं, ऐसे में उन्हें होम आइसोलेट नहीं किया जा सकता, उनके लिए अस्पताल की जरूरत होती है, वो भी वेंटिलेटर वाला बेड चाहिए होता है। दिल्ली सरकार का एक ऐप भी है, दिल्ली कोरोना ऐप, जिस पर बेड्स की स्थिति दिखाई दे जाती है, मगर यहाँ एक गफलत है इसको लेकर, समझ नहीं आता कि इसे कैसे देखें ऐप को। और इसे जाना हमने आज तक टीवी के हमारे साथी पंकज जैन से। देखिए दिल्ली में जो सरकार है उन्होंने एक ऐप तैयार की थी, जब कोरोना के मामले काफी ज्यादा बढ़ रहे थे और अस्पतालों में बेड्स की कमी आ रही थी, तो ऐसे में लोग आसानी से ये जान सकें कि वेंटिलेटर, आईसीयू बेड्स और
नॉर्मल बेड्स, इनकी संख्या कितनी है और किन अस्पतालों में ये बेड्स पाए जा सकते हैं। तो ऐसे में एक दिल्ली कोरोना के नाम से केजरीवाल सरकार ने ऐप तैयार की थी, और इन दिनों जो बहुत ज्यादा कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उनमें गंभीर कोरोना के मरीजों की संख्या ज्यादा है, तो ऐसी स्थिति में इन्हें आईसीयू वार्ड में भर्ती किया जाता है और यहाँ पर आईसीयू बेड्स होते हैं। तो जो आंकड़े मैं इस वक्त दिल्ली कोरोना ऐप के माध्यम से देख पा रहा हूँ, जब हम ये बातचीत कर रहे हैं तब पूरी दिल्ली में 1277 आईसीयू के बेड्स हैं और इनमें से 786 बेड्स पर कोरोना के मरीज भर्ती हैं। अब ये एप्लीकेशन बताती है कि 491 जो बेड्स हैं आईसीयू के वो पूरी तरह से खाली है, लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि दिल्ली के जो सबसे बड़े प्राइवेट अस्पताल हैं, ये अस्पताल क्या आईसीयू बेड्स की पूर्ति कर पा रहे हैं? क्योंकि अगर हम बात करें दिल्ली के कुछ सरकारी अस्पतालों की, जिसमें से दीप चंद बंधु अस्पताल है, यहाँ पर 12 आईसीयू बेड्स की क्षमता है, लेकिन यहाँ पर सभी बेड्स पर इस वक्त मरीज भर्ती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें दिल्ली के प्राइवेट हॉस्पिटल्स की, बत्रा हॉस्पिटल दिल्ली में एक है, वहाँ 15 आईसीयू बेड्स हैं लेकिन ये पूरी तरह से भरे हुए हैं। इसी तरह से होली फैमिली हॉस्पिटल जो है, जो कि साउथ दिल्ली में है, जामिया से काफ़ी सटा हुआ है, और जो तमाम मुस्लिम इलाके हैं वहाँ पर जितने भी कोरोना के मरीज हैं इसी प्राइवेट अस्पताल का रुख ज़्यादातर करते हैं। मैक्स का जो अस्पताल है शालीमार बाग में, वहाँ पर भी 15 आईसीयू बेड्स हैं, वो पूरी तरह से भर चुके हैं। पंजाबी बाग में जाना माना अस्पताल है महाराजा अग्रसेन अस्पताल, इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल है। इसके अलावा कई ऐसे प्राइवेट अस्पताल हैं जहां पर आईसीयू बेड्स पूरी तरह से भरे हुए हैं, और ये तमाम जानकारी दिल्ली कोरोना ऐप जो है, जो कि खुद सरकार ने तैयार की है, इसके द्वारा ही बताई जा रही है। तो ऐसी स्थिति में सरकार को ये चिंता थी कि किस तरह से आईसीयू बेड्स की कमी को पूरा किया जाए। तो मैं आपको बता दूं कि पिछले हफ्ते सरकार ने एक आदेश जारी किया था, और इस आदेश में ये कहा था कि दिल्ली में जितने भी प्राइवेट अस्पताल हैं और इन प्राइवेट अस्पतालों में जितने भी बेड हैं, उन बेड में से 80% जो बेड होंगे उनको आरक्षित कर लिया जाएगा, जहां पर आईसीयू के जो मरीज हैं उन्हें भर्ती किया जा सके। साथ ही साथ कुछ बेड्स को बढ़ाने की अनुमति भी यहां पर सरकार ने मुहैया कराई थी, लेकिन फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है देश की राजधानी में 4000 के करीब और 4000 से ज्यादा रोजाना कोरोना के मामले दर्ज हो रहे हैं, तो ऐसे में होम आइसोलेशन में वो तमाम लोग अपना इलाज करवा लेते हैं जिन्हें लक्षण नहीं है, लेकिन जो गंभीर रूप से बीमार हैं, जिन्हें कोरोना के अलावा बाकी कोई बीमारी है, आप मान लें कि किसी मरीज को डायबिटीज है, किडनी की बीमारी है या हार्ट की बीमारी है, ऐसे मरीजों की तकलीफ बढ़ जाती है और फिर इन्हें अस्पताल में भर्ती किया जाता है और इन्हें आईसीयू बेड्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि सांस लेने में तकलीफ ये महसूस करने लगते हैं और साथ ही साथ निमोनिया की परेशानी भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे में अब सरकार का ये भी कहना है कि दिल्ली जो है यहाँ पर आईसीयू बेड्स बनाने के लिए सरकार कदम उठा रही है। जी, तो ये जो 491 बेड खाली हैं इसमें तो दिखा रहा है, और आपने कहा कि बाकी अगर हम हर अस्पताल को देखते हैं तो वहाँ कोई बेड खाली नहीं है, तो ये कौन से अस्पताल हैं जो कौन सी बेड्स हैं, कहाँ के हैं जो खाली बता रहे हैं ये? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सरकार का अपना पक्ष है इस पूरे मामले को लेकर। सरकार का ये भी कहना है कि दिल्ली में जो आईसीयू बेड्स में मरीज भर्ती हो रहे हैं वो मरीज दरअसल बाहर के हैं, दिल्ली के नहीं है, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है और ऐसी स्थिति में हरियाणा और ज्यादातर उत्तर प्रदेश से मरीज यहाँ पर इलाज कराने के लिए पहुंचते हैं। तो आज ही जब स्वास्थ्य मंत्री से ये सवाल पूछा गया ये आईसीयू बेड्स की कमी को पूरा करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है, तो उन्होंने बताया कि बाहर से मरीज काफी ज्यादा आ रहे हैं और ऐसी स्थिति में आने वाले दिनों में करीब 1000 आईसीयू बेड्स बढ़ाने की तैयारी चल रही है। पिछले दिनों जब हमने उनसे सवाल पूछा था तो उन्होंने बताया कि प्राइवेट अस्पतालों में 5 दिन में 500 आईसीयू बेड्स की संख्या बढ़ाई गई है, लेकिन
ये जो दिल्ली कोरोना ऐप है कोई भी इसे अपने फोन में डाउनलोड कर सकता है और जो भी अपने घर के नजदीक या फिर जैसे ही इस मोबाइल को दरअसल आप ओपन करते हैं तो यहाँ पर जो कोरोना की आइसोलेशन के लिए बेड्स हैं उसकी जानकारी होती है, साथ ही साथ आईसीयू बेड्स की जानकारी होती है और इसके अलावा जो वेंटिलेटर्स उपलब्ध हैं सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में इन तमाम अस्पतालों की जानकारी होती है। तो ऐप के भीतर सबसे शुरुआत में अस्पताल का नाम लिखा होता है, जैसे कि दिल्ली का सबसे बड़ा जो कोरोना का इलाज कर रहा है सरकारी अस्पताल वो अस्पताल है लोकनायक अस्पताल जो कि सेंट्रल दिल्ली में है। यहाँ पर 200 वेंटिलेटर्स की संख्या है और साथ ही साथ यहाँ पर भी इन वेंटिलेटर्स पर जो कोरोना ऐप हमें बता रही है कि 62 मरीज जो है भर्ती हैं, यानी कि इसके अलावा जो तमाम मरीज हैं वो यहाँ पर अपना इलाज कराने के लिए पहुँच सकते हैं। तो इस कोरोना ऐप के माध्यम से अलग अलग अस्पतालों की जानकारी ली जा सकती है। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी सरकारी अस्पताल जो है दिल्ली में, यहाँ पर कुल 191 वेंटिलेटर्स हैं और इनमें से 146 में मरीज भर्ती हैं। वहीं अगर हम प्राइवेट अस्पतालों की अगर बात करें तो प्राइवेट अस्पताल में आपको मैं बता दूं कि दिल्ली में जो मैक्स साकेत है यहाँ पर 40 बेड उपलब्ध हैं और इनमें से फिलहाल 2 बेड ही खाली हैं। तो ये तमाम जो जानकारी सामने आ रही है कोरोना ऐप के माध्यम से, इसे लेकर भी कई शंका है, कई सवाल है। दरअसल लोग कोरोना ऐप में ये तमाम जानकारी देखते हैं और जब वो अस्पताल पहुंचते हैं तो पता ये चलता है कि जो खाली बेड दिखा रहे हैं वो उनके पहुंचने तक भर चुके हैं। तो इस कम्युनिकेशन को दूर करने के लिए, इस समस्या को दूर करने के लिए भी सरकार हो सकता है कि कोई कदम उठाए। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से मरीजों की संख्या बढ़ रही है ऐसे में ज्यादा आईसीयू बेड्स की जरूरत है, तो सरकार इसको किस तरह से सुनिश्चित करेगी ये देखना होगा आने वाले दिनों में। ये थे पंकज जैन। और अब देखिए, अब तो जाने की घड़ी है, सख्त जरूर है मगर कम वक्त नहीं है। कल फिर मिला देगी आपको और हमको, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, मास्क तो पहनना ही है। और हाँ, चलते चलते एक बात, कनाडा की एक कंपनी अब कोरोना का इलाज भांग से कराने वाली है और ये दवा कंपनी फिलहाल भारत में अपनी दवा का इंसानी ट्रायल करने के लिए भारत सरकार से बात कर रही है। और भारत से क्यों बात कर रही है ये तो आप समझ ही गए होंगे, भारत में भंग का क्या रंग है आपको मालूम ही है। स्टे सेफ। खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज, आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो।